यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th के प्रोज का अगला चैप्टर है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, एक्चुअली ये एक ऐसे टाइटल दे दिया गया है, इसके अंदर दो स्टोरीज़ हमें पढ़नी है और दोनों स्टोरीज़ के राइटर अलग अलग हैं। तो जो पहली स्टोरी, इसमें टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग यानी उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ। उड़ान सभी लोग जानते हैं, आसमान में उड़ना। पहली स्टोरी जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके राइटर हैं, राइटर का ये प्रोनंसिएशन बहुत ध्यान से देख लो, बहुत अच्छी तरह से सुन लो स्पेलिंग देखते हुए, लियाम ओ फ्लैरिटी, लियाम ओ फ्लैरिटी, लियाम ओ फ्लैरिटी, लियाम ओ फ्लैरिटी। ये आयरिश नॉवलिस्ट थे, आयरिश आयरलैंड के रहने वाले, और सोशलिस्ट राइटर थे। कॉमन पीपल के एक्सपीरियंसेस पे इन्होंने ढेर सारा कुछ लिखा है, बड़े अच्छे राइटर हैं। ये जो स्टोरी तुम्हें पढ़नी है या हमें पढ़नी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पहली कहानी है इस पार्ट की, यानी उसकी पहली उड़ान, उसकी यानी किसकी, ये एक बर्ड की कहानी है, सीगल। इस बर्ड का नाम है सीगल, सी यानी समुद्र, SEA। सीगल एक बर्ड होता है, ये बर्ड समुद्री चिड़िया है। देखो, समुद्री चिड़िया या रेगिस्तानी चिड़िया, इन दोनों पक्षियों के बारे में थोड़ा सा अंतर होता है। कॉमन बर्ड्स जो हमारे यहाँ देखते हो ना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये बर्ड्स से यहाँ के बर्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशंस या बायोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं कि इनकी क्षमता थोड़ी सी अलग होती है, और वो क्षमता ये होती है कि ये बहुत लंबी उड़ान भरते हैं, उतरने के जगह नहीं होते ना हर जगह। तो ये सीगल की कहानी है, या सीगल फैमिली की कहानी है, उसमें एक सीगल जो बच्चा है उसकी कहानी इसमें है। पक्षी जब उड़ना सीखते हैं, मैं नहीं जानता तुम लोगों ने पक्षियों को ध्यान से देखा है या नहीं देखा है, अगर देखा होगा तो कोई भी पक्षी देखोगे ना, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो माता पिता उसको मार मार के घोंसले से नीचे गिराने का प्रयास करते हैं कि वो उड़े, उसका डर निकले, सिखाने के लिए। करना भी चाहिए, हर माता पिता को ये करना चाहिए कि बच्चों को रिस्क लेना सिखाएं, जीवन संघर्ष में उतरना सिखाएं। बहुत ज़्यादा बच्चों को पंख के नीचे जीवन भर नहीं पालना चाहिए, उन्हें कुछ जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए। हम लोग कहानी पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर सी कहानी है ये पक्षी की कहानी। तो सीगल बर्ड्स होते हैं ये, जैसे कि क्लिफ्स होते हैं, क्लिफ्स, क्लिफ, CLIFF, क्लिफ यानी विशाल काय चट्टाने। समुद्र तुम लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, नहीं देखा तो टीवी में देखो, और वैसे देख भी सकते हो, घुमा फिरा करो। मैं बार बार कहता, जब भी मौके मिले, पापा कहीं कमा रहे हैं बाहर, तो जरूर जाओ साथ एक आध बार। कभी किसी भी ख़राब कमरे में ही रहते हैं, रह लेंगे 2-4 दिन लेकिन घूमेंगे। दूसरी बात, कोई रिलेटिव्स रहता है तुम्हारा कहीं बाहर, तो जाओ उनके यहाँ, घूम टहलाओ, घूमो, ज़रूर घूमो। ये नहीं घर में जाके बैठे टीवी देख रहे, नहीं, घूमा करो, वहाँ के नेचुरल चीज़ों को देखो, जाना। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो उन चट्टानों पर ही कहीं जगह है, ऐसी जगहों पे ही अपने बच्चे बच्चे देते हैं या घोंसले वगैरह बनाते हैं ऐसे पक्षी। ऐसा नहीं कि पानी में, पानी तो समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वहाँ ऐसा है। और हम कहानी देखते हैं, आसान से छोटी सी कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move.
द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या? चट्टान की सतह, बहुत बड़ी चट्टान की सतह पर। अब ये बहुत ऊंचाई पर चट्टान होगी, हो सकता है पहाड़ जैसी कोई रचना हो वहाँ हो, तो वहाँ भी ये अकेला है, ये यंग सीगल। यंग यानी युवा हो चुका है, बच्चा बड़ा हो चुका है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी एक बहन, यानी ये चार बच्चे एक साथ हुए थे, ये तीनों उड़ चुके थे, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे वहाँ से। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उनके साथ उड़ने में ये डर रहा था। सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। किसी तरह थोड़ा सा दौड़ा, इसे चट्टान काफ़ी बड़ी रही होगी समतल, वहाँ से दौड़ के ऐसे आगे आया एकदम किनारे, ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब बिल्कुल किनारे, किनारे आके ही तो उड़ना है। प्रेशर जैसे दौड़कर, जैसे तुम लोग कूदते उदते हो तो क्या करते हो भाई, दौड़ते ऐसे प्रेशर से दौड़ते दौड़ के ऐसे कूद जाते हैं काफ़ी लंब, तो ऐसे उड़ान के लिए भी जैसे हवाई जहाज भी उड़ता है तो ऐसे काफ़ी रनवे पर दौड़ता है, फिर ऐसे स्पीड बना के ऐसे उठता है ऊपर। हवाई जहाज में तुम लोगों पता नहीं बैठे हो कि नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो तो बैठो, बहुत अब महंगा नहीं है, एक आध बार उसको भी एक्सपीरियंस करो, 2,000-2,500 में टिकट मिल जाता है, पॉकेट मनी बचा लो, एक आध बार ट्रैवल कर लो। अब तो बड़ा सस्ता हो गया, पहले टिकट बड़े महंगे थे 10-10,000, 15-15,000 के, अब तो सस्ते हो गए, तो उड़ लो एक आध बार, एक्सपीरियंस ले लो। तो वो दौड़कर किनारे तक आया और फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप कर फड़फड़ाने का अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, और फिर डर गया, फिर वो अफ्रेड हो गया। द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे समुद्र का विशाल फैलाव। समुद्र तुम लोग देखे होगे, नहीं देखे हो तो टीवी में या मोबाइल में देखो, किनारा नहीं दिखता, जहाँ तक देखोगे ना दूर दूर तक पानी ही पानी, पानी ही पानी, तो वैसे फैला। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे भी बहुत लंबा रास्ता, माइल्स डाउन, मतलब जितनी ऊंचाई पर है वो, जिस जगह चट्टान वट्टान कुछ भी होगी उसके नीचे कई मील के नीचे पे पानी है, कहूँ काफ़ी ऊंचाई पर है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो एकदम निश्चित उसको लगता था कि इतने ऊंची उड़ान उसके पंख सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके पंखों के बस की बात नहीं है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो इसीलिए अपना सिर झुकाया, निराश हो गया और धीरे से वापस दौड़ कर चला आया वो लेज के नीचे, यानी जो पत्थर की चट्टान अट्टान थे उसके नीचे छोटा सा छेद बना हुआ था, वहीं वो रात को सोया था, अकेला सोया था, क्योंकि मम्मी पापा इनके और दो भाई और एक बहन उड़ चुके थे। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे ही फेल्ड टू मास्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। अब कह रहे हैं कि उनके उनका जो भाई थे और उनकी छोटी बहन, इनकी छोटी बहन थी, ये सब के पंख जो है ना इतने मजबूत नहीं थे, इतने बड़े भी नहीं थे, शॉर्टर थे यानी छोटे थे, शॉर्ट। ये क्या किए थे कि दौड़ कर किनारे आए, फ्लैप देयर विंग्स, पंखों को फड़फड़ाया एंड फ्लू अवे और उड़ गए। ही फेल टू मास्टर अप करेज, लेकिन ये साहस को मास्टर अप नहीं कर पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए, इतनी साहस नहीं जुटा पाया कि ये भी वो प्लंज यानी कि छलांग लगा देता, विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और इसके लिए ये बड़ी बेचैन करने वाली बात थी, बड़ी व्याकुलता वाली बात थी। इसलिए बिल्कुल निराश हो गया, डिस्परेट। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, मम्मी पापा भी आए बड़ी तेज तेज, श्रीली मतलब बड़ी कर्कश आवाज़ में चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। क्या डांट रहे थे भाई? अपब्रेडिंग हिम, वही डांटना, थ्रेटनिंग हिम, धमकी देना, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि यहीं भूखों मर जाओगे, अब उस लेज पर भूखों मरना होगा क्योंकि भोजन नहीं मिलना है। जब पक्षी घोंसले में रहते हैं ना बच्चे, तो मम्मी पापा लाकर उनके भोजन उनको कराते हैं माता पिता। अब करे वहाँ भूखों मरोगे उस चट्टान पे, इतनी ऊंचाई पे कोई भोजन नहीं मिल रहा, चूँकि सीगल है तो इनको मछली पकड़नी है और मछली पकड़ने के लिए लंबी उड़ान भरनी है पानी में, अचानक डूब के ये मछली पकड़ लिया करते हैं। स्टाव यानी भूखों मरना, अगर नहीं उड़ोगे तो भूखों मरोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, उसे अपने जीवन से इतना लगाव था, इतना भय था अपने जीवन के प्रति कि वो नहीं हिल पाया, हिला भी नहीं डर के मारे। That was 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले की घटना थी, यानी जब दोनों भाई और एक बहन उड़े थे। Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them
in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Since then, nobody had come near him. और 24 घंटे बीते थे, कोई उसके पास आया नहीं था, उसके परिवार का. सब लोग उड़ रहे थे, कोई आया नहीं था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले जब यानी उसके माता पिता दो बच्चों एक मतलब उसके दो भाई और एक बहन यानी तीन बच्चों को लेकर उड़े थे, तो उनको देख रहा था दिन भर. क्या कर रहे थे कि माता पिता उड़ रहे थे अपने बच्चों को लेकर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ान की जो कला है, उड़ने की कला, उसमें परफेक्ट कर रहे थे, सिखा रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और ये सिखा रहे थे कि लहर पे कैसे तैरोगे, जैसे लहर आ गई उससे कैसे बचोगे, लहरें ऊंची उठी, और हाउ टू डाइव फॉर फिश. डाइव लगाना मतलब ऐसे बच्चे भी तैरते हैं ना, ऐसे ऊंचाई से ऐसे कूदते, ऐसे पानी में चले जाते, बिल्कुल ऐसे चले जाते पानी में, तो ऐसे कैसे पानी में ऐसे डाइव लगाओगे मछली के लिए, मछली नीचे दिख रही है तो पानी में कैसे डाइव लगाओगे. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने सच में तो देखा कि उससे जो बड़ा वाला भाई था ना, उसने पहली बार first herring, herring मतलब मछली होती है, समुद्री मछली एक प्रकार की, उसको पकड़ा and devour it. Devour मतलब एकदम निगल गया जल्दी से, मतलब पहली बार उसने अपना शिकार किया और निगल गया. Standing on a rock, एक पत्थर पे खड़े होकर, while his parents circled around raising a proud cackle. मतलब मछली पकड़ा उसके भाई ने और एक पत्थर पे उतरा, और समुद्र में जगह जगह चट्टाने निकली होती हैं, वहाँ बैठा और उसको निगल गया, और माता पिता उसके चारों ओर ऐसे उड़ रहे थे और खूब कैकल यानी खूब खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अपने बच्चे को एनकरेज कर रहे थे कि वाह शाबाश तुमने आज शिकार किया और पकड़ लिया. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डिस. और सारे सुबह से क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार जो था वो सामने एक प्लेट्यू था, पठार मतलब थोड़ा सा चट्टान वाली जगह थी, इसके सामने की ओर उस पर थे सभी लोग, अपना उड़ रहे थे. एंड टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस, और उसकी कायरता, कावर्डिस यानी कायरता, टॉन्टिंग करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, पूरा परिवार उसका मजाक उड़ा रहा था, ऐसा ये हो रहा था. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब समस्या हो रही है, पिछली रात से यानी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, कुछ खाने को मिला नहीं, कोई लाके दिया नहीं, माता पिता अब दे नहीं रहे, और सूरज धीरे धीरे असेंडिंग यानी ऊपर उठ रहा था आसमान में, यानी दोपहर हो रही, धूप कड़ी हो रही थी, तो एकदम गर्मी उसकी चट्टान तप जाती है, चट्टानों पर धूप बड़ी तेज लगती है, गर्मी बहुत एकदम तपने लगती, तो उसको गर्मी खूब लग रही थी, और इसलिए भी लग रही थी क्योंकि कुछ खाया भी नहीं था कल से. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with his other leg hidden under his wing. और एक पैर पे खड़ा था वहाँ आके किनारे, फिर एक पैर पंखों के नीचे छुपाया हुआ था. ऐसा पक्षी कर लेते हैं, तुम लोग देखते होगे, एक पैरों पर पक्षी खड़े हो जाते हैं, एक पैर मोड़े रहते हैं ना तो अंदर हो जाता है, लगता ही नहीं कि है. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसने एक आँख बंद की धीरे से, ऐसे एक आँख, फिर दूसरी भी बंद कर ली, और pretending यानी नकल किया, ऐसे ही कि सो रहा हूँ, ऐसे सोने का दिखावा किया. Still they took no notice of him. फिर भी उसके माता पिता ने, भाई बहन ने उसके ओर कोई ध्यान नहीं दिया. सोच रहा है कि देखें शायद किसी का ध्यान जाए कि बेचारा सो रहा है, कोई दया कर दे, कुछ खिला पिला दे. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने देखा कि उस पत्थर पे जो उधर चट्टान थी प्लेट्यू पे, वहाँ पे उसके भाई बहन आराम से वहाँ लेट रहे थे, क्योंकि अपने सिर को अपने गर्दन में छिपा के, पक्षी सोते हैं तो ऐसे कई बार अपना सिर ऐसे पंखों के नीचे कर लेते हैं इस तरह से, मतलब आराम कर रहे थे, देख रहा है कि हाँ भाई बहन वहाँ आराम कर रहे हैं. His father was preening the feathers of his white back. प्रीनिंग, प्रीनिंग क्या होता है भैया, है ना, पक्षियों को देखोगे अपने शरीर की बड़ी सफाई करते हैं, अपने चोंच से एक एक पंख को बिल्कुल साफ करते हैं, उसमें कहीं धूल मिट्टी जमी हो, कुछ भी चिपकने वाली चीज़ हो,
तो उसके पापा जो थे अपने पंखों को साफ कर रहे थे, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन माँ उसको देख रही थी। भाई माँ का हृदय कहा जाता है ना थोड़ा सा कोमल होता है, तो माँ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेच्यू, तो प्लेच्यू पे एक जगह थी, पत्थर थोड़ा सा उभरा हुआ ज़्यादा था, वहाँ पे वो खड़ी थी माँ। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो सीना था, छाती जो थी माँ की वाइट कलर की, वो सामने दिख रही थी। यानी सीगल जो बर्ड होता है उसका यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा, गर्दन के नीचे का पोर्शन वाइट होता है, वो सामने की ओर था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। बीच बीच में वो अपनी चोंच से मछली को ऐसे चीर के फाड़ कर निकाल लेती थी, जो अपने पैरों के नीचे उसने दबा रखा था। यानी एक मछली पकड़ रखी थी उसकी माँ ने और इसे दबा रखा था, और ऐसे फाड़ लेती थी, और फाड़ने के बाद फिर अपने बीक को, अपनी चोंच को उसी पत्थर पे ऐसे ऐसे रगड़ती थी। शिकारी पक्षियों को देखोगे या ऐसे ही पक्षियों को, तो ये अपनी चोंच को बिल्कुल धार लगाते रहते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे मुंडी करके, देखना इसको, ऐसे कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और भोजन का दृश्य देख कर ये बिल्कुल अब पागल हुआ जा रहा था। दूसरा दिन है, भोजन कुछ मिला नहीं है, तो बिल्कुल पागल हो रहा था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, कि जैसे माँ फाड़ रही थी भोजन को, ऐसे मछली ऐसे फाड़ के खा रही थी, उसे कितना पसंद था ऐसे फाड़ कर खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और ऐसे फिर अपनी चोंच को ऐसे रगड़ के धार लगाना, कितना उसको भी पसंद था, हर बार मछली फाड़े और फिर ऐसे धार लगाए, ये सब पसंद था। देखो माँ की अपनी टेक्निक है, उसे पता है, माँ जानती है अपने बच्चे को अच्छी तरह से, माएँ जानती हैं अपने बच्चों को, अगर अच्छी माँ है तो अपने बच्चों को समझती है। तो वो जान रही थी कि बच्चे को ऐसे मछली हम लोग ला के देते थे, इसी तरह पैर से दबा के ऐसे ही फाड़ फाड़ के खाता था, इसे बहुत पसंद था। तो ऐसा लगता है कि जान कर माँ ऐसा कर रही है कि वो इससे थोड़ा प्रेरित हो, थोड़ा सा और उसको, उसके अंदर इच्छा हो कि हम भी कुछ करें या उड़ें या ऐसा शिकार करें, संभवतः उसको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग रखते हैं, लगभग 17-18 मिनट का वीडियो हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।